सबसे पहले तो एक सूचना यहाँ खड़े होकर दे दें, ऐसे आप लोग को जानकारी है भी, टैलेंट सर्च एग्जाम हम लोग लेने वाले हैं और उसका डेट वगैरह सब कुछ फाइनल हो गया है। बैनर भी आपके यहाँ लग जाएगा स्कूल में आजकल में, जिसमें आप ही नहीं देंगे, आपके अलावे भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जितनी हमारी पहुंच होगी उतने बच्चे देंगे। भोजपुर जिला के भी कुछ स्कूल हैं, रोहतास के भी हैं, और ये 6 से 12 क्लास तक का होगा। 2,25,000 का कैश और लैपटॉप प्राइस है, और प्रयास है एक अच्छे स्टूडेंट की खोज करना, और कुछ भी नहीं है। कौन बेस्ट है? फर्स्ट वाले जो बच्चे होंगे उनको निश्चित ही लैपटॉप मिलेगा, सभी क्लास के 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 11, 12 में हमने जेई और नीट को बिल्कुल अलग कर दिया है, बायो से भी बच्चे देंगे, यानी पीसीएम और पीसीबी दोनों होगा। आपका सिलेबस मैथ और साइंस होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ओएमआर बेस होगा, और जहां हम लोग दूसरे जगह टेस्ट लेंगे, जैसे सपोज करिए भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के किसी स्कूल में, तो सेंटर भी वही हम लोग बनाएंगे, हमारे स्टाफ जाएंगे स्कूल के तरफ से और वहां जाकर के टेस्ट को लेंगे। 100 रुपया फीस उसमें देना है, जो भी बच्चे शामिल होंगे हमारे स्कूल के हों या किसी और भी स्कूल के। ऑनलाइन का भी सुविधा होगा, पेज होगा, जैसे आप सोशल मीडिया वगैरह खोलेंगे उस पर जाएगा, लिंक होगा, सीधा गए, आपको जरूरी नहीं है यहाँ पर फॉर्म लेने आने, डायरेक्ट भी आप वहां से भर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं होंगी और एग्जाम होगा 31 अक्टूबर, 1, 2, 3 और शायद 4 नवंबर, ऐसे ही डेट है उसका। 4 डेट में होगा, क्योंकि एक बार में हर जगह हम लोग नहीं ले पाएंगे, इसलिए हम लोग ने 4 डेट रखा है, और चारों का क्वेश्चन भी अलग होगा। पहले डेट वाले का क्वेश्चन अलग, दूसरे वाले का अलग, यानी 4 सेट होगा हर क्लास का, 6 का भी 7 का भी सबका। आप लोग भी तैयारी करें और उसमें दें, हिस्सा लें, बेस्ट करें। प्राइज हम लोग यही किसी भी डिस्ट्रिक्ट के जो 3 बच्चे, डिस्ट्रिक्ट नहीं स्कूल, 3 बच्चे होंगे उनको यहीं बुलाएंगे और अपने ही कैंपस में एक डेट हम लोग रखेंगे प्राइज वितरण का। दूसरे में आज हिंदुस्तान वाले ने बोला है, जो हिंदुस्तान ओलंपियाड आप दिए थे, कि 8 स्टूडेंट अपने स्कूल से चुने गए। मैं बता दूं, आपको जानकारी ना हो तो, पूरे जिले में 21 में 8 स्टूडेंट अपने स्कूल के हैं, और चेक भी उनको मिलेगा। मुझे अमाउंट नहीं पता है कि अमाउंट क्या होगा, पर चेक मिलेगा। अकाउंट नंबर आपका ऑलरेडी हिंदुस्तान मीडिया ने ले लिया है पहले ही, और आप बिल्कुल अपने यूनिफॉर्म में, 10 बजे का उन्होंने टाइम दिया है, सभी बच्चे अवेलेबल हैं ही यहाँ, तो आज उनको प्राइज ये मिलेगा, सर्टिफिकेट और चेक दोनों मिलेगा। चेक अपने अकाउंट में डालेंगे और कैश करा लेंगे, कैश हो जाएगा। आज हम लोग का चर्चा था कि सफलता कैसे प्राप्त करें। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब जीवन हमारा मिला है तो इस जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद यही होता है, सफल होना। जो जिस क्षेत्र में है वो सफल होना चाहता है। एक नेता अपने क्षेत्र में राजनीति में सफल होना चाहता है, एक स्टूडेंट पढ़ाई में सफल होना चाहता है, बिजनेसमैन अपने बिजनेस में सफल होना चाहता है। सफलता सबसे इंपॉर्टेंट है, और सवाल है कि हम कैसे सफल हो। माने आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज का जवाब। आप यहां खड़े हैं सफल ही होने के लिए, आज पढ़ रहे हैं, पढ़ करके हमें ये बनना है, अलग अलग तरह का प्लान है, किसी को सरकारी नौकर बनना है, किसी को अपना बिजनेस करना है, किसी को अलग अलग तरह का, सबका अपने ख्वाहिशें हैं, ख्यालें हैं, और उस पर काम आप कर रहे हैं, लेकिन सबका मकसद एक ही है कि सफल कैसे हो, अपने सपनों को पूरा कैसे करें। बिल्कुल सही कुछ बच्चों ने बोला, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी पहले तो आपको अपने पे विश्वास करना होगा, मैं ये कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अगर आपको खुद ही पे विश्वास नहीं है तो आप क्या सफल होंगे। तो पहले अपने पे विश्वास करें। अभी एक बच्चे ने लास्ट में ऐसा 8 क्लास का बोल के गया यस, कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि तुम्हारी राइटिंग बहुत खराब है। राइटिंग खराब का मतलब क्या होता है मालूम है? शिक्षक जो कॉपी चेक करेगा वो पढ़ ही नहीं पाएगा तो तुमको नंबर क्या देगा। तुम अपने जवाब को बहुत अच्छे लिखो लेकिन इतनी बुरी राइटिंग में कि शिक्षक पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो नंबर देगा कहां से? नहीं देगा। ठीक उसी तरह स्पीच तुमने दे दिया और किसी को समझ में ही नहीं आया,
तुम मुहे में बोलते चला गया, तो यहां कौन कहेगा कि तुम कैसा बोले हो। हम स्पीच दे रहे हैं तो सामने वाले को समझ में आना चाहिए राइटिंग के तरफ, फिर वो तुम्हारा आकलन करेगा कि क्या तुम्हारा परसेंटेज